पूरी जेल की बोतल लगाता हुआ कुछ हो गया सुबह लाग जाए जी उठते इतनी तीखी तो मैंने तो नहीं देखी भगत है जी आपका दुष्यंत जी आज के जो कार्यक्रम रहे हैं आपके थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ कर रहे हैं उसके बाद फिर देखिए पार्टी संगठन में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी दो रिसेंटली राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज को रिस्ट्रक्चर किया और हमने भी शुरुआत करी कि हम हल्का बॉडीज भी जल्द से जल्द रिकॉन्स्टिट्यूट कर लें इसके ऊपर पार्टी अपनी कार्रवाई कर रही है पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम भी चल रहे हैं चाहे वो बूथ पे हमारे युवा साथी और महिला जोड़ने के लिए बूथ सखी बूथ योद्धा की बात चाहे पार्टी संगठन के विस्तार के लिए और आज उसी जिम्मेवारी के साथ सुहाना के अंदर पहुँचे हैं मुझे लगता है सामाजिक तौर पर बहुत से ऐसे नए साथीगण हैं जो हमारे साथ शायद हिस्टोरिकली एसोसिएट ना रहे और जननायक जनता पार्टी में वास्ता जताना चाहते हैं सबका स्वागत है सर लेकिन मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं अपना जनसंवाद रैली अलग कर रहे हैं उनका कहना है कि वो वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा भी कर रहे हैं लेकिन वैसे तो इनेलो भी कर रही है हर पॉलिटिकल पार्टी को ये तो अधिकार है कि वो अपने संगठन के प्रति मेहनत और गंभीरता के साथ काम करें और मुझे लगता है आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसी प्रयास में कि वो अपने संगठन को मजबूत बनाकर आगे लेकर चलने का काम करें मुझे लगता है कि हमें जो जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दी उसको पूरी ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत लगन के साथ ओम प्रकाश चौटाला जी कह रहे हैं कि 2024 से पहले बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा आपका मतलब उसमें मैं तो ये चीज विपक्ष के मुंह से और आप जैसे पत्रकार साथी जो बारी बारी इसको सवाल के तौर पे लेके आते हैं 2019 की नवंबर से सुन रहा हूँ जी अक्टूबर 27 को ओथ ली थी और नवंबर में ये कहा गया था कि 15 दिन में गठबंधन टूट 3.5 साल मजबूती के साथ दोनों पार्टियों ने गठबंधन चलाया है और आगे भी प्रदेश के गठबंधन इसी मजबूती के साथ चलेगा किसी के कहने से कि ये गठबंधन टूट जाएगा गठबंधन नहीं टूटेगा जब दोनों पार्टियों में मन भेद हो जाएगा मत भेद हो जाएगा तो जरूर पार्टियां अपने आप विचार करेंगी आज के दिन मुझे नहीं लगता कि हमारे पॉलिटिकल तौर पर दोनों पार्टियों में कोई मन भेद है अगर होगा तो भविष्य की गर्व में अगर हम महाराष्ट्र उठाकर देखें तो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन इतने लंबे साल चला था वो टूट अगर पंजाब उठाओ तो अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन तो 2 डेकेड का था वो टूट गया और हैरानी की बात है कि कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार बना वो तो भविष्य है और भविष्य मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई प्रिडिक्ट कर सकता